5 दिसंबर रविवार को मादारीहाट प्रखंड शिशु झुमरा गांव के निवासियों ने अपने क्षेत्र में बन रहे डोलोमाइट और स्टोन क्रशर फैक्ट्री के विरोध में एक रैली निकाली। स्थानीय वासियों को इस क्षेत्र में फैक्ट्री बनने से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वे हमेशा इसके विरोध में आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन अभी तक इस फैक्ट्री के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होने की जानकारी स्थानीय वासियों ने दी। स्टोन क्रशर और डोलोमाइट फैक्ट्री बनने से क्षेत्र के रास्ते काफी जर्जर अवस्था में, साथ ही वातावरण भी काफी प्रदूषित हो रहा है, जिससे लोगों में बीमारियां भी फैल रही हैं। इसलिए स्थानीय वासियों ने सड़क को जल्द से जल्द बनाने और भारी वाहन की आवाजाही पर रोक लगाने आदि मांगों को लेकर एक विरोध रैली किया। स्थानीय वासियों का कहना है कि इससे पहले भी कई बार जिला प्रशासन, खंड प्रशासन में ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामवासी बड़ी जन आंदोलन के लिए तैयार हैं। मुकेश गुप्ता और विकास गुप्ता का गैर कानूनी डोलोमाइट फैक्ट्री जो बना है वो जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। उससे पोल्यूशन फैलेगा और पूरा गांव ही बीमार हो जाएगा। उसके साथ साथ अंकित अग्रवाल का क्रशर मिल है, वह भी इलीगल है, गैर कानूनी तरीके से बनाया गया है। उसको जितना जल्दी हो सके उसको बंद किया जाए और ये अपना पावर दिखा करके उसको ज़बरदस्त ये बना रहे हैं, इसका हम ज़बरदस्त विरोध करते हैं। और ये इसका पूरा रिपोर्ट हमने डीएम को दिया हुआ है, एसपी साहब को दिया हुआ है, जिला परिषद को दिया हुआ है। 5 महीने हो गए लेकिन इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। हम चाहते हैं डीएम को हम बताना चाहते हैं कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करे और जिला परिषद जल्द से जल्द रास्ता तैयार करे और बैरिकेड तैयार करे ताकि हमारे यहाँ हैवी व्हीकल्स ना घुसे। पुलिस के द्वारा, बीरपड़ा पुलिस के द्वारा हैवी व्हीकल्स नो एंट्री लगाया गया है, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी हैवी व्हीकल्स आता है और पुलिस भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता है। सिर्फ अपना बोर्ड लगा करके चुप्पी साध लिया और हमारा गांव अभी बर्बाद के कगार पर आगे बढ़ रहा है। इसको हम जल्द से जल्द डीएम और एसपी को हम जानना चाहते हैं कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके इसको जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, बंद किया जाए, ताकि यहां क्रशर मिल बंद हो और डोलोमाइट फैक्ट्री किसी भी हालत से ना चल सके। गांव के लिए, उसके लिए हम लोग एक रास्ता में निकले, रास्ता में निकलने अपने मांगों के लिए एक विरोध प्रदर्शन भी है और साथ में प्रशासन को ये जनाने के लिए भी है कि हमारे जो मांगे हैं उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आप लोग बिल्कुल परिचित हैं उस विषय से, पिछले 5 महीनों से हम गांव वाले सरकारी ये दफ्तर से वो दफ्तर से ये दफ्तर हम लोग पिछले 5 महीनों से हो रहे हैं। और आप लोगों को मैं और एक बार अवगत करा देना चाहता हूं कि 9 जुलाई 2021 को हम लोगों ने गांव वाला एक मास पिटीशन जमा किए थे जिला कलेक्ट्रेट में,
वो मास पिटीशन था जो हमारे गांव में बन रहा, मुकेश गुप्ता, विकास गुप्ता और अंकित अग्रवाल का जो अवैध डोलोमाइट और स्टोन क्रशर का जो फैक्ट्री है उसको बंद कराने के लिए हम लोगों ने एक मास पिटीशन जमा किया था। अब तक उस पिटीशन का कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने 5 बार रिमाइंडर भी जमा किया है प्रशासन के पास, लेकिन प्रशासन ने अब तक उसका कोई जवाब हम लोगों को नहीं दिया है। उसके बाद 3 अगस्त 2021 को हम लोगों ने भी एक मास पिटीशन सबों से साइन कराकर गांव का